कैसे हो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी फिशिंग टेक। समंदर का हालात आप देख सकते हैं, देखिए आप देखिए, ये देखिए क्लियर आपको मैं समंदर के हालात दिखा रहा हूँ, क्लियर आपको समंदर के हालात दिखा रहा हूँ। देखिए लहरें उतनी बड़ी भी नहीं हैं और देखिए तूफान भी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा शांत है, उतना ज़्यादा कुछ असरात नहीं है। लेकिन जो ये तूफ़ान होते हैं अचानक होते हैं, 5 या 10 मिनट में तूफ़ान हो जाता है। अक्सर इसी तरह ये तूफ़ान अक्सर ऐसे ही होते हैं, यानी जो कहते हैं जो ख़तरा आने से पहले खामोशी छाई हुई होती है, उसी तरह का ख़तरा आप देख सकते हैं। देखिए देखिए, और अचानक से तूफ़ान हो जाता है, 10 या 15 या आधे घंटे के अंदर ये तूफ़ान बढ़ जाता है, जी हाँ बढ़ जाता है। और उसके बाद में मछुआरों को पता भी नहीं चलता है कि कब तूफ़ान हो गया और अपनी आपकी बोट कब समंदर में फंस गई, तूफान के बीच में फंस गई। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जब भी सरकार की तरफ से ऐलान होता है या डीसी की तरफ से ऐलान होता है, तब भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस बात को सीरियस नहीं लेते हैं और चले जाते हैं समंदर में मछली पकड़ने के लिए और फंस जाते हैं। यानी बहुत मरतबा ऐसा हो चुका है, मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत सारे ऐसी बोट देखी है जो वायरलेस में, जो हमारे पास जो वायरलेस होता है बात करने के लिए, उसमें बात करते करते बोट डूब जाती है और पूरे के पूरे आदमी मर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार की तरफ से जो अलाउंस होता है उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि और उसको मानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए वो कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हो सके तो फिशिंग के लिए मत जाइए, मछली पकड़ने के लिए मत जाइए, आपकी सेफ्टी होगी। कहने का मतलब यही है। तो आज मैं आपको एक ऐसी फिश दिखाने वाला हूँ जो आप शायद पहले कभी देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो फिश जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये इसलिए कह रहा हूँ, जैसे एक कीड़ा होता है, जैसे एक सी स्नैक होता है, उसी तरह की सेम टू सेम मछली होती है, लेकिन ये मछली ही है। जी हाँ, ये मछली है और इसे भी ड्रैगन फिश कहा जाता है। तो आपने इससे पहले कभी देखी है या नहीं, लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने देखी है या नहीं देखी है। तो इसी तरह की और एक मैंने ड्रैगन फिश की वीडियो बना रखी है, तो मैं अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगा। ये देखिए मेरे पास 2 पड़ी हुई हैं, ये देखिए 2 पड़ी हुई हैं। मैंने इसको ज़िंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये ज़िंदा नहीं मिली मेरे को, तो इसलिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, मरी हुई दिखा रहा हूँ। ये देखिए साइड से और ऊपर से और नीचे से, ये देखिए इसका मुंह एकदम बारीक होता है, एकदम छोटा सा मुंह होता है इसका, एकदम छोटा होता है। ये देखिए, और इसकी आँख देख सकते हैं, आँख थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देखिए ये इसके पर हैं जो ऊपर से लेकर यानी धूम तक इसकी पर होते हैं, सर से लेकर धूम तक इसके पर ही होते हैं, ऊपर और नीचे पेट की तरफ से निकले हुए और सर की तरफ से निकले हुए होते हैं। तो बात करते हैं कि ये कहाँ मिलती है और ये किस पानी में ज़िंदा रहती है। मंगलूर से आगे उल्लाल, उल्लाल से आगे उपला गेट तक पाई जाती है ये समंदर में, जो अरबियन सी में मिलती है। और ये खारे पानी की मछली है, जी हाँ खारे पानी की मछली है। और मैं जितनी भी वीडियो बना चुका हूँ वो पूरी खारे पानी की मछली पर ही वीडियो बनाया हूँ, और अरबियन सी में जो हिंदुस्तान की जो अरबियन सी है उसी में जो समंदर में जो मछलियाँ पाई जाती है उसी की वीडियो मैंने बनाई है अभी तक। तो बस यही थी आज की फ़िश,
तो मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस तरह की फ़िश आपने पहले कभी देखी है क्या। तो अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।